प्रश्नावली 4 का चौथा का 9वां प्रश्न। क्या करना है? सूत्र की सहायता से x का मान, इस समीकरण को हल करना है और x का मान निकालना है। 2x स्क्वायर, पहला 9वां समीकरण है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्या करना है? इस समीकरण की तुलना मानक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से करने पर ए का मान मिलेगा 2, बी का मान है 1 और सी का मान है माइनस 6। अब सूत्र क्या होता है? समीकरण को हल करने का x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये सूत्र होता है। इस सूत्र में मानों को रख देना है, माइनस 1, बी का मान है 1, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान है 2 और c का मान है माइनस 6 अपॉन 2a। एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट ओवर 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 दुनी 8, 8 पंच 40, 8 6 का 48 अपॉन 2 दुनी 4। एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट ओवर 48 प्लस 1 49 अपॉन 4। एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 49 किसका रूट है? 7 का अपॉन 4। अब एक बार क्या लेना है? एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 7 अपॉन 4। अब एक बार धन चिन्ह लेने पर x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 7 अपॉन 4, 7 में 1 माइनस किए तो कितना आया? 6 अपॉन 4। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3/2। अब एक बार क्या लेना है? ऋण चिन्ह लेने पर x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 7 अपॉन 4, क्या आ गया? माइनस 1 माइनस 7 माइनस 8 अपॉन 4, तो 4 एकम 4, 4 दुनी 8 माइनस 2। x का दूसरा मान क्या मिला? माइनस 2। यही दोनों क्या है? आंसर। नेक्स्ट एक्स मतलब कि 10वां प्रश्न क्या है? क्या है समीकरण? 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट ओवर 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको भी सूत्र की सहायता से हल करना है। 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मानक समीकरण से तुलना करने पर a इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 2। b इज इक्वल टू है माइनस 2 रूट ओवर 6 और c इज इक्वल टू 3। अब सूत्र में रख देना है। सूत्र क्या होता है समीकरण हल करने का? x इज इक्वल टू
माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस टू रूट सिक्स प्लस माइनस रूट ओवर माइनस टू रूट सिक्स बी का मान है स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए का मान है टू और सी का मान है थ्री अपॉन टू ए। एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया तो टू रूट सिक्स प्लस माइनस रूट ओवर दो दुनी चार और छः और का रूट घटा तो सिक्स आया, रूट और सिक्स का स्क्वायर करेंगे तो सिक्स आ गया, चार चार छिका छमा छः दिखा छः चौक चौबीस माइनस चार तिया चार दुनिया आठ, आठ का मान सोलह चौबीस, चार दुनिया आठ आठ तिया चौबीस बटे दो दुनी चार। एक्स इज इक्वल टू टू रूट सिक्स प्लस माइनस रूट ओवर ट्वेंटी फोर में ट्वेंटी फोर माइनस किए तो ज़ीरो ये आया। एक्स इज इक्वल टू टू रूट सिक्स अपॉन फोर, प्लस माइनस ज़ीरो का कोई वैल्यू है क्या? नहीं, क्योंकि रूट ओवर ज़ीरो का वैल्यू क्या होता है? रूट ओवर ज़ीरो ही होता है। अब इसमें देखते हैं दो एकम दो, दो दुनी चार तो क्या आया वन अपॉन टू रूट ओवर सिक्स, वन अपॉन टू रूट ओवर सिक्स भी लिख सकते हैं या फिर रूट ओवर सिक्स अपॉन टू भी लिख सकते हैं। यही क्या है एक्स इज इक्वल टू क्या आया रूट ओवर सिक्स अपॉन टू, यही हमारा क्या है आंसर। इसमें एक ही मान आएगा क्योंकि प्लस माइनस के बाद का पद क्या है ज़ीरो हो गया है, इसलिए बस प्लस माइनस से पहले वाला पद ही हमारा एक्स का मान होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं द्विघात समीकरण के मूल एवं गुणांकों में क्या संबंध होता है उसके बारे में जानेंगे। द्विघातीय बहुपद में हमने बहुपद के शून्यंक एवं गुणांकों में संबंध देखा था, वहीं संबंध द्विघाती समीकरणों के मूलों एवं गुणांकों में भी होता है। माना समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के मूल क्या क्या हैं? अल्फ़ा एवं बीटा हैं, जहां ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। ए बी सी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। तब अल्फ़ा माइनस बीटा सॉरी एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो, या फिर क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो वर्ग समीकरण होगा। यह हो गया समीकरण एक। वर्ग समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो को निम्नलिखित रूप में भी लिखा जा सकता है। क्या करेंगे पूरे समीकरण में द्विघात समीकरण अगर बनाना है तो पूरे समीकरण में ए का भाग दे देंगे, तो इसमें ए का भाग दिए तो ये ए कैंसिल हो गया, इसमें ए का भाग दिए तो बी अपॉन ए, इसमें ए का भाग दिए तो ए अपॉन सी अपॉन ए। हम देखते हैं कि समीकरण एक व दोनों ही समीकरण के दो रूप हैं, अतः एक ही समीकरण के दो रूप है, अतः इनकी तुलना करने पर हम पाते हैं कि एक ही समीकरण के दो रूप हैं, तो इनकी तुलना करने पर हम पाते हैं कि देखो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर है और अल्फ़ा माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स के जगह में क्या है बी अपॉन ए, मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है बी अपॉन ए, माइनस में है अल्फ़ा प्लस बीटा तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस में है कि जगह में क्या है सी अपॉन ए, दोनों की तुलना करने पे तो अतः यह सिद्ध होता है कि मूलों का योग क्या होता है योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तथा मूलों का गुणनफल क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये सूत्र हम पहले भी इससे पहले वाले अध्याय में पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं उदाहरण कैसे बनता है मूलों के योगफल और गुणनफल का प्रश्न। एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू जीरो के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहले तो ए बी सी का मान निकाल लेंगे, किससे
मानक समीकरण से तुलना करके। ए का मान यहाँ पे है 1, बी का मान है -5 और सी का मान है -24। अब मूलों का योगफल का सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए। तो बी का मान है -5, तो ऑलरेडी माइनस सूत्र में है, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और अपॉन ए, ए का मान है 1, तो 5 अपॉन 1 इज इक्वल टू 5 आया। अब मूलों का गुणनफल सी अपॉन ए, सी का मान है -24 और वो ए का मान है 1, तो 24 अपॉन 1 मतलब कि -24। ये हो जाएगा योगफल, ये हो जाएगा गुणनफल, इसी प्रकार से बनाना है। 3x² उदाहरण 25 है, cx² 3x² प्लस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। समीकरण 3x² प्लस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 की तुलना भी ax² प्लस bx प्लस सी से करने पर, प्लस सी इज इक्वल टू 0 से करने पर, a का मान है 3, b का मान है 2 और c का मान है 7। योगफल और गुणनफल वाले सूत्र में रख देना है। योगफल का सूत्र क्या होता है, -b अपॉन a, b का मान है 2 और a का मान है 3, तो 2 अपॉन a, 2 अपॉन 3, माइनस में 2 अपॉन 3 हो गया योगफल। अब गुणनफल का सूत्र क्या होता है, सी अपॉन ए, सी का मान है 7 अपॉन a मतलब कि 3, 7 अपॉन 3, ये हो गया मूलों का गुणनफल। आगे देखते हैं नेक्स्ट, सोचे एवं चर्चा करें। मूल ज्ञात होने पर क्या वर्ग समीकरण बनाया जा सकता है, बहुपद अध्याय के की अवधारणाओं एवं मूल व गुणांकों के संबंध के आधार पर वर्ग समीकरण के बनाए जा सकने की संभावनाओं की चर्चा अपने साथियों से करें। मूल ज्ञात होने पर द्विघात समीकरण बनाना, कैसे मूल ज्ञात होता है तो हम द्विघात समीकरण बनाएंगे। हमने इस अध्याय में अब तक द्विघात समीकरण दिए होने पर उसके मूल ज्ञात करना सीखा है, हाँ सीखा है। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल पता हो तब क्या यह संभव है कि हम उस द्विघात समीकरण को ज्ञात कर सकते हैं, हाँ हम द्विघात समीकरण के मूलों के गुणनफल एवं योगफल की सहायता से द्विघात समीकरण को ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात मूल दिए होने पर हम द्विघात समीकरण भी बना सकते हैं। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल अल्फा एवं बीटा हो तब द्विघात समीकरण निम्नलिखित होगा, x² - α + β x + α (β = 0, अर्थात x² इज माइनस मूलों का योग x धन मूलों का गुणनफल बराबर 0। अब देखते हैं उदाहरण, यदि यह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल -3 एवं -8 है। मूल ज्ञात होने पर बनने वाला द्विघात समीकरण मूल ज्ञात होने पर बनने वाला द्विघात समीकरण क्या होता है, x² माइनस मूलों का योग जो मूल दिए हुए हैं उसका योग प्लस मूलों का गुणनफल जो मूल दिए हुए हैं उसका गुणनफल कर देंगे तो हमें समीकरण मिल जाएगा, x² माइनस मूलों का योग मतलब 3 प्लस -8 है ना, जोड़ेंगे -8 और 3 को, उसी प्रकार से मूलों का गुणनफल मतलब कि 3 × -8 करेंगे तो इसमें जोड़ने पे क्या आ गया, 8 में 3 माइनस हुआ तो 5x और 8 * 3 = 24, 8 क्या है माइनस में है तो 24 आएगा माइनस में, तो x² + -, क्या हो गया प्लस हुआ यहाँ पर भी, +5x - 24 = 0, ये हो गया हमारा समीकरण। वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 4/3 व 7/3 हो। मूल ज्ञात होने पर बनने वाला द्विघात समीकरण, ये सूत्र है उसको याद रख लेना है, क्या होता है मूल ज्ञात होने पर बनने वाला द्विघात समीकरण, x² माइनस मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0, तो मूलों का योग x² माइनस मूलों का योग मतलब 4/3 + 7/3 x, और मूलों का गुणनफल मतलब 4/3 × 7/3 इज इक्वल टू 0। x² माइनस इन दोनों को क्या है, हर समान है तो एक बार लिख देंगे और अंशों को जोड़ देंगे, 4 + 7 = 11 हो गया, बड़ा धन
चार सत्ते 28 और 3 3 9, हर के साथ हर का गुणा, अंश के साथ अंश का गुणा, ये हो गया समीकरण, हो गया। या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, पूरे समीकरण में क्या का गुणा होगा, 9 का गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 9 into x square minus 9 into 11 upon 3x plus 28 upon 9 = 0, 9x square आ गया, और 3 3 9, 3 1 3, और 9 9 कर गया तो बचा क्या, 9x square माइनस 11 3 33x plus 28 = 0, यही आ गया। नेक्स्ट उदाहरण 28, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 2+√7 व 2-√7 हो, मूल दिए हुए हैं, मतलब ए और बी का मान, ए का मान है 2+√7, बी का मान है 2-√7, मूल ज्ञात करने पर बनने वाला द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग धन, मूलों का योग एक्स धन मूलों का गुणनफल, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग मतलब कि 2+√7 प्लस 2-√7 प्लस 2+√7 इंटू एक्स में एक्स इंटू होगा इसके साथ, फिर उसके बाद 2+√7 इंटू 2-√7 = 0। अब हमें पता है a माइनस b का होल सूत्र क्या होता है, a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर होता है सूत्र, और ये इसमें देखते हैं ये प्लस और माइनस कट गया, बचा क्या 2 और 2 मतलब कि 4x माइनस प्लस, अब देखते हैं ये a का स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर मतलब कि 4 आ गया, और b का स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर क्या होता है 7 होता है, तो 7 में 4 माइनस किए तो 3x² - 4x - 3 = 0, यही हमारा क्या है आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट, यदि किसी वर्ग समीकरण के मूलों का योगफल -8 तथा गुणनफल 4 हो तो वर्ग समीकरण बनाइए, योगफल दे दिया है मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया है -8 और अल्फा इंटू बीटा का मान है 4 गुणनफल का मान, तो मूल वर्ग समीकरण बनाना है, योगफल और गुणनफल दे दिया है, तो सूत्र सीधा सीधा ही रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल एक्स धन मूलों का गुणनफल बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल क्या दिया हुआ है -8 दिया हुआ है एक्स इंटू में, उसके बाद मूलों का गुणनफल क्या दिया हुआ है 4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 8x + 4 = 0, ये और ज़्यादा ईजी है क्योंकि सीधा सीधा योगफल और गुणनफल दे दिया है, ना जोड़ना है ना ही गुणा करना है, सीधा सीधा सूत्र में योगफल और गुणनफल को रख देना है, उसके बाद समीकरण मिल जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, करके देखिए वर्ग द्विघात समीकरण बनाइए जिसके मूल निम्नलिखित हैं 2 और 3 मतलब कि a का मान है 2 और b का मान है 3, तो मूलों का योगफल का सूत्र क्या होता है, अच्छा मूलों जिनके मूल निम्नलिखित इस वर्ग समीकरण बनाना है, वर्ग समीकरण का सूत्र क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान है ए का मान है मतलब कि 2 प्लस बीटा का मान है 3, एक्स धन 2 × 3, एक्स स्क्वायर 3 2 5, एक्स प्लस 6 3 × 6, यही क्या है वर्ग समीकरण। इसी प्रकार से मूल जब दिए हों तो सूत्र में रख करके मूलों का योग वर्ग समीकरण बन जाएगा, मूलों से वर्ग समीकरण बन जाएगा। अब वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूलों, अच्छा प्रश्नावली 5, अब हम आए हैं किसमें, प्रश्नावली 5 में पहला प्रश्न दिया हुआ है वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूलों के योगफल व गुणनफल निम्नलिखित हैं। अब देखो यहाँ पे मूलों के योगफल और गुणनफल दिए हुए हैं, उससे हमें वर्ग समीकरण बनाना है, जैसे हमने अभी अभी बनाया, योगफल दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है,
मतलब कि मूल नहीं दिया हुआ है, योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न में वर्ग समूह कौन जनाइए जिनके मूल निम्नलिखित है, मतलब अल्फा और बीटा के मान दिए हुए हैं, ए और बी के मान दिए हुए हैं, उससे हमें वर्ग समीकरण बनाना है। दोनों प्रकार से हमें यहाँ पे वर्ग समीकरण बनाना है। निम्नलिखित उसके बाद तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित वर्ग मतलब कि द्विघात समीकरणों के मूलों के गुणनफल एवं योगफल ज्ञात कीजिए, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है।